नवरात्रों का आज है भक्तों पांचवा दिन। नवरात्रों का आज है भक्तों पांचवा दिन। स्कंद माता के रूप का आज करें पांचवी शक्ति नव दुर्गा की है ये स्कंद माता। पांचवी शक्ति नव दुर्गा की है ये स्कंद माता। पांचवी नवरात्रि में तब ही इनको पूजा जाता भक्तों इनको कमल पुष्प है दो हाथों में एक है वर मुद्रा में। कमल पुष्प है दो हाथों में एक है वर मुद्रा में। और ये एक भुजा में अपनी कार्तिक को है था में बैठी। कार्तिक को कैसे नाम पड़ा है इनका भक्तों स्कंद माता। कैसे नाम पड़ा है इनका भक्तों स्कंद माता। स्कंद पुराण में विनती है बड़ी ही पावन गाथा भक्तों बड़ी ही शीश झुकाए। ध्यान पूर्वक सुनना भक्तों अब हम कथा सुनाए आपको। अब हम कथा सुनाए भक्तों
लेकिन पिछला जन्म याद जब इनको आया है, लेकिन पिछला जन्म याद जब इनको आया है, भोलेनाथ को वर के रूप में पाना चाहा है, भोले को पाना चाहा है। मुनि नारद ने माता से फिर आकर के ये कहा, मुनि नारद ने माता से फिर आकर के ये कहा, भोलेनाथ को पाने के लिए करनी तपस्या है, आपको करनी तपस्या जन्म हुआ जब कार्तिक का तो देवों ने खुशी मनाई, जन्म हुआ जब कार्तिक का तो देवों ने खुशी मनाई, लगता है अब तार कसुर की निकट है मृत्यु आई, निकट उस दैत्य की मृत्यु।
अस्त्र शस्त्र की विद्या माने दी है कार्तिक को, अस्त्र शस्त्र की विद्या माने दी है कार्तिक को, ताकि वध कार्तिक के हाथों तार का सुर का हो, ताकि वध तार का सुर
चरणों में शीश झुकाए हंसराज रिल हनुमा, तेरे चरणों में शीश झुकाए हंसराज रिल कांति में
तू खुद चाहे तारी कसुर सुन मृत्यु तुम्हारी चाहोगी उसकी हाथों आए तारे कसुरी लगा सोचने कैसा वर अब मांगा जाए वर भी जिससे हो जाए पूरा और मुझे मृत्यु भी ना है।
शरण आपकी आए, भौजी सुरेश्वर ज्योति तिवारी। हम स्कंद माता की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम स्कंद माता की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता, जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको नवदुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, भगवान कार्तिक का एक नाम स्कंद भी है और इनकी माता होने के कारण इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। माता अपने स्वरूप में भगवान कार्तिक को सदैव अपनी गोद में लिए रहती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं माता के इस रूप का महात्म्य और कथा। पावन कथा सुनाते हैं, ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता, जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता। जनों, माता के इस रूप का ध्यान करने से भक्तों को सद्बुद्धि तो प्राप्त होती ही है, संतान सुख प्राप्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं स्कंद माता की पूजा से बांझ भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती है। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें और चौकी पर माता की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूजा के दौरान हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी स्कंद माता का आवाहन करें। माता की पूजा में इन्हें अक्षत, पताशा, पान, सुपारी, लौंग, धूप, लाल फूल अर्पित करें। साथ ही देवी स्कंद माता को केले या केले से बने हलवे का भोग लगाएं। पूजा के अंत में माता की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। प्रिय भक्तों, माता किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं, आज हम इसकी एक बड़ी ही प्राचीन कथा सुनाएंगे और एक पौराणिक कथा भी सुनाएंगे कि माता ने किस प्रकार ये रूप धारण किया था। चमत्कार की पहले सुनो कथा। सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण भी किसी नगर में था।
दर्शन करवाने के लिए दूर दूर जाता। दान और दक्षिणा में धन भी वो खूब कमा लाता। निश्चित समय पे माता पिता ने उसका विवाह किया। पत्नी रूप में पाई उसने एक ब्राह्मण कन्या। सुख पूर्वक पति पत्नी जीवन अपना बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममता मई बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता। जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता। जनों, इस प्रकार सुधर्मा ब्राह्मण का जीवन बड़े ही सुखपूर्वक प्रतीत हो रहा था। सुधर्मा की पत्नी जिसका नाम सुनंदा था, बड़ी सुशील और समझदार थी। अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी और अपने पति को भी खूब सम्मान देती थी। सुनंदा को पाकर सुधर्मा भी अत्यंत प्रसन्न था। जो गुण एक आदर्श पत्नी में होने चाहिए, सुधर्मा की पत्नी उन गुणों से परिपूर्ण थी। चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ममता मई बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता। जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता। जनों, विवाह के अनेकों वर्षों तक संतान ना होने के कारण सुधर्मा के माता पिता को बड़ी ही चिंता हुई। सुनंदा को भी आस पड़ोस की महिलाएं बांझ कहकर ताने देने लगी। एक दिन सुधर्मा को उसकी माता ने कहा कि पुत्र, यद्यपि तुम्हारी पत्नी सर्वगुण संपन्न है, किंतु ये तुम्हें संतान सुख नहीं दे सकती, अतः तुम दूसरा विवाह कर लो। अपनी सास के मुख से ये बात सुनकर सुनंदा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जब सुधर्मा अपनी पत्नी के कक्ष में आया तो वो अपने पति से लिपट कर रोती हुई कहने लगी, पावन कथा सुनाते हैं। ममता मई बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम
कथा सुनाते हैं। जब पांच बहु नवराता इस रूप को पूजा जाता, जब पांच बहु नवराता इस रूप को पूजा जाता। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि सुधर्मा बड़ा ही विद्वान था, वो जानता था कि यदि जीवन में कोई विपदा की घड़ी होती है तो उसका उपाय भी अवश्य होता है। सुधर्मा ने अपनी पत्नी सुनंदा से कहा कि तुम इस बार नवरात्रों में जब व्रत करो तो पांचवें नवरात्रे में स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजा करके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लेना। स्कंद माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इतना सुनकर सुनंदा बड़ी ही प्रसन्न हुई और उसने निश्चय किया कि अब की बार नवरात्रों में निष्ठा पूर्वक स्कंद माता की पूजा करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर लेगी। सुधर्मा ने अपनी पत्नी को जो है उपाय बताया, सुनंदा ने तो विधि पूर्वक है भक्तों से निभाया। जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, ममता मई बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांच बहु नवराता इस रूप को पूजा जाता, जब पांच बहु नवराता इस रूप को पूजा जाता। भक्तजनों, इस प्रकार स्कंद माता की कृपा से बांझ सुनंदा को भी पुत्र प्राप्ति हो गई। ऐसे कल्याणकारी है स्कंद माता की भक्ति। प्रिय भक्तों, स्कंद माता के इस रूप की अब हम पौराणिक कथा आपको सुनाएंगे। आशा करते हैं आप माता के इस रूप की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। चले जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, ममता मई बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांच बहु नवराता इस रूप को पूजा जाता, जब पांच बहु नवराता इस रूप को पूजा जाता। जनों, तारकासुर बड़ा ही चालाक था। वो जानता था कि सती विरह के कारण भोलेनाथ वैरागी होकर कैलाश पर्वत पर चले आए हैं, और जब उनका विवाह ही नहीं होगा
तो संतान कैसे होगी? न ही शिव संतान होगी, न मुझे कोई मार पाएगा। ऐसा सोचकर तारकासुर को अपनी शक्ति पर बड़ा अहंकार हो गया और उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गए। सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाना चाहते थे, किंतु वो जानते थे कि शिव संतान के सिवा तारकासुर का अंत संभव नहीं है। प्रिय भक्तों, जब माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय के घर हुआ तो देवताओं के मन में आशा की एक किरण जगी। इधर माता पार्वती भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने में लीन हो गई और उन्होंने 14,000 वर्षों की कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न भी कर लिया। तक की है माने घोर तपस्या, तब जा करके माता पार्वती शिव का विवाह हुआ और प्रथम संतान रूप में कार्तिक हुए उत्पन्न। होगा अंत अब तारकासुर का, देव हुए प्रसन्न। उसे अपना बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता, जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता। भक्तजनों, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ही भगवान कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान कार्तिकेय का ही नाम स्कंद है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के पांचवें दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं उनकी कृपा से मूढ़मती भी ज्ञानी हो जाता है। सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता ही है और अपने ममतामयी रूप के लिए जानी जाती है। स्कंद माता करती है सदा ही भक्तों का कल्याण, सांसारिक जीवों में चेतना का करती निर्माण। ममतामयी है रूप ये मां का भक्तों बड़ा निराला, इस संसार में सुख और अंत में मोक्ष को देने वाला। हंस राज रिलहन भी माँ का ध्यान लगाता है, माता के हर एक रूप को शीश झुकाता है। चेतन शुक्ला ने माँ की महिमा का कर दिया है वर्णन, फौजी सुरेश भी इनके नाम का ही करता है सिमरन। लिख देता है भक्त प्रेम सुनकर बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ममतामयी बड़ा माता का ये रूप बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता, जब पांच वहो नवराता इस रूप को पूजा जाता। Thank you.
शिशु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्व स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्व स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्व स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्व स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्व स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो।
स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमो दुर्गे सुखकरणे नमो नमो दुर्गे दुखहरणे निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक थैली ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रिकुटि विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति ले कीना पालन है सुबुद्धि ऋषि मुनि न उबारा धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा परगट भई फाड़ कर खंबा रक्षा कर प्रह्लाद बचायो हिरण्याक्ष को स्वर्ग लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही श्री नारायण अंग समाही क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजे मन आसा हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा मित न जात बखानी महिषासुर नृप अति अभिमानी जिहि अगभार महि अकुलानी रूप कराल काली का धारा सेन सहित तुम तिहि संहारा
चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला जब लगी जियो दया फल पाऊं तुम रोजस में जगदम्बा भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।